पंजाब सरकार का मिशन गैंगस्टर यानी कि गैंगस्टर्स का सफाया लगातार करण दे लई कार्रवाई जारी है। टास्क फोर्स का भी गठन किया गया सी ते उदा असर वेखण मिले है। उत्तराखंड तो वड्डी खबर है, उत्तराखंड के देहरादून तो वड्डी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार हो चुका है। गैंगस्टर नु लेके वड्डी खबर है। गैंगस्टर्स नु पनाह देने वाले की गिरफ्तारी नु लेके वड्डी खबर है। पटियाला ते मोगा कातला नाल जुड़े उस गैंगस्टर नु लेके, उस शार्प शूटर नु लेके वड्डी खबर तुहानू से दिखा रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तराखंड के देहरादून च गैंगस्टर को काबू किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर एक गैंगस्टर दसिया जा रहा है जिसको काबू किया गया है। तो लगातार इसकी तलाश जारी सी ते गैंगस्टर को पनाह देने वाले भी गिरफ्तार किया गया है। देहरादून ते पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया है। तो कई मामलों के यह गैंगस्टर लौड़ा सी, शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। हो सकता आने वाले समय के इसका पूछताछ की जाए तो होर भी गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी की जाए। कुछ दिन पहला ही हालांकि टास्क फोर्स का गठन किया गया सी भगवंत मान सरकार दे वल्लों, ते उस तो बाद लगातार सुर्खियां इस गल लैके सी कि गैंगस्टर नू जड़ों खत्म किया जाएगा। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की हुण तक की यह वड्डी कार्रवाई तुहानू दिखा रहे हैं। तो इस टास्क फोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन करके देहरादून ते पंजाब पुलिस दे जॉइंट ऑपरेशन दे नाल इनू गिरफ्तार किया गया है। तुसी देख सकते हो कि किवें एक वड्डी कामयाबी इस करके भी है क्योंकि पंजाब च लगातार इस मामले को लैके सवाल खड़े हो रहे सां कि किन्ने कतल हो चुके हैं जदों की सरकार आई है। सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है, ये भी लगातार इल्जाम लगते रहे। तो हुण फिलहाल उस तो बाद इन्नी वड्डी कार्रवाई जो की गई है कितने ना कितने विरोधियों नू भी यह जवाब दिता है सरकार ने कि वाकई गैंगस्टर्स के मामले लैके पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लैके पंजाब सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो पंजाब सरकार ने इस टास्क फोर्स का गठन किया सी ते उस तो बाद तुसी देख सकते हो किवें दी गिरफ्तारी की गई है। तो हरबीर नाम का आरोपी एक गिरफ्तार किया गया है। तो समझा जा रहा है कि इस तो बाद कॉलेज दे एक होस्टल दे विच ये छुपया होया सी। तो पंजाब पुलिस को इस गल की खबर लगी कि ये कॉलेज दे होस्टल दे विच छुपया होया, जिस तो बाद देहरादून पुलिस को यह सूचना भेजी गई। तो जॉइंट ऑपरेशन दे विच इन्हों गिरफ़्तार किया गया है। तो लगातार इस मामले लैके चर्चावान चल रही सन कि पंजाब दे विच जो ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं कदों खत्म होंगे। तो तुसी देख सकते हो कि किवें एक वड्डी कार्रवाई नू अंजाम दिता गया है। टास्क फोर्स ने देर राती इस ऑपरेशन नू अंजाम दिता है। पटियाला मोगा च कई कतल किए गए सन जिस तो बाद फरार चल रहा सी। लंबे समय तो इसकी तलाश जारी सी। प्रेम नगर इलाके दे विच हरबीर नाँ का यह गैंगस्टर जो है दोषी जो है वह फिलहाल छुपया हुआ सी। कॉलेज स्टूडेंट्स के नाल होस्टल दे विच छुपया हुआ सी, जिस तो बाद पंजाब पुलिस ने इस वड्डी कार्रवाई नू अंजाम दे के उसकी गिरफ्तारी की है। पंजाब सरकार का मिशन गैंगस्टर यानी कि गैंगस्टर्स का सफाया लगातार करण दे लई कार्रवाई जारी है। टास्क फोर्स का भी गठन किया गया सी ते उदा असर वेखण मिले है। उत्तराखंड तो वड्डी खबर है, उत्तराखंड के देहरादून तो वड्डी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार हो चुका है। गैंगस्टर नू लेके वड्डी खबर है। गैंगस्टर्स नू पनाह देने वाले की गिरफ्तारी नू लेके वड्डी खबर है। पटियाला ते मोगा कातला नाल जुड़े उस गैंगस्टर नू लेके, उस शार्प शूटर नू लेके वड्डी खबर तुहानू से दिखा रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तराखंड के देहरादून च गैंगस्टर को काबू किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर एक गैंगस्टर दसिया जा रहा है जिसको काबू किया गया है। तो लगातार इसकी तलाश जारी सी ते गैंगस्टर को पनाह देने वाले भी गिरफ्तार किया गया है। देहरादून ते पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया है। तो कई मामलों के विच ये गैंगस्टर लौड़ा सी, शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। हो सकता आने वाले समय के विच इसका पूछताछ की जाए तो होर भी गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी की जाए। कुछ दिन पहला ही हालांकि टास्क फोर्स का गठन किया गया सी भगवंत मान सरकार दे वल्लों, ते उस तो बाद लगातार सुर्खियां इस गल लैके सी कि गैंगस्टर नू जड़ों खत्म किया जाएगा। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की हुण तक की यह वड्डी कार्रवाई तुहानू दिखा रहे हैं। तो इस टास्क फोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन करके देहरादून ते पंजाब पुलिस दे जॉइंट ऑपरेशन दे नाल इनू गिरफ्तार किया गया है। तुसी देख सकते हो कि किवें एक वड्डी कामयाबी इस करके भी है क्योंकि पंजाब च लगातार इस मामले को लैके सवाल खड़े हो रहे सां कि
किन्ने कतल हो चुके ने। जदों की सरकार आई है सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है, ये भी लगातार इल्जाम लगते रहे। तो हुण फिलहाल उस तो बाद इन्नी वड्डी कार्रवाई जो की गई है कितने ना कितने विरोधियों नूं भी यह जवाब दिता है सरकार ने कि वाकई गैंगस्टर्स के मामले लैके पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लैके पंजाब सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो पंजाब सरकार ने इस टास्क फोर्स का गठन किया सी, तो उस तो बाद तुसी देख सकते हो किवें दी गिरफ्तारी की गई है। तो हरबीर ना का आरोपी ये गिरफ़्तार किया गया है। तो समझा जा रहा है कि इस तो बाद कॉलेज दे एक होस्टल दे विच ये छुपया होया सी। तो पंजाब पुलिस को इस गल की खबर लगी कि ये कॉलेज के होस्टल के छुपया हुआ है, जिस तो बाद देहरादून पुलिस को ये सूचना भेजी गई। तो जॉइंट ऑपरेशन के गिरफ़्तार किया गया है। तो लगातार इस मामले को लैके चर्चावान चल रही सन कि पंजाब दे विच जो ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं कदों खत्म होंगे। तो तुसी देख सकते हो कि किवें एक वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया। फोर्स ने देर राती इस ऑपरेशन अंजाम दिता है। पटियाला मोगा च कई कतल किए गए सन, जिस तों बाद ये फरार चल रहा सी। लंबे समय तो इसकी तलाश जारी सी। प्रेम नगर इलाके दे विच हरबीर नां दा यह गैंगस्टर जो है दोषी जो है वह फिलहाल छुपया होया सी, कॉलेज स्टूडेंट्स के नाल होस्टल दे विच छुपया होया सी, जिस तों बाद पंजाब पुलिस ने इस वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम दे के उसकी गिरफ्तारी की है।